संरचनावाद, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय चल रहा था। यहां बात कर रहे थे किसके, वंट ने। वंट ने चेतना के कितने तत्व बताए, दो तत्व बताए। एक तत्व कौन सा, संवेदना, और दूसरा कौन सा बताया, भाव। संवेदना कैसा तत्व है, वस्तुनिष्ठ, और भाव कैसा है, आत्मनिष्ठ। ये आत्मनिष्ठ, अगली लाइन लिखो इसी के साथ। विलियम वुंट ने भाव के आधार पर त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके आधार पर किया, भाव के आधार पर। सिद्धांत का नाम त्रिविमीय सिद्धांत। देखो, भाव के आधार पर त्रिविमीय सिद्धांत, पहला यू, दूसरा टी और तीसरा एस। यू से तात्पर्य, यू से उत्तेजना, टी से तनाव और एस से सुखद। ऐसे सुखद, देखो ये चीज थोड़ा सा अपन चेंज कर रहे हैं ना। जैसे त्रिविमीय सिद्धांत एक फॉर्मूला बना दिया, यू टी एस। यू टी एस के अंदर भाव में जो भाव कैसा होता है, तनाव होता है या फिर शांत होता है, या उत्तेजना शांत, तनाव शिथिलन, ये शिथिलन, सुखद या फिर कैसा दुखद, ये त्रिविमीय सिद्धांत। लिखो नंबर एक दो तीन, ये एक दो और तीन, ये त्रिविमीय सिद्धांत फॉर्मूला बन गया। यू टी एस, उत्तेजना शांत, तनाव या शिथिलन, सुखद या फिर इसको क्या बोलते हैं, दुखद। सुखद या फिर इसको दुखद कहते हैं। इसलिए भाव के बारे में बात की अपन ने कि भाव आत्मनिष्ठ है, सबके भाव अलग अलग है। कोई घटना पर मेरे भाव में यदि उत्तेजना है तो दूसरे के लिए कैसा हो सकता है, शांत। मेरे लिए तनाव है तो एक व्यक्ति के लिए शिथिलन हो सकता है, एक के लिए सुखद हो सकता है तो दूसरे के लिए दुखद। एक ही घटना पर यदि हमारे भाव अलग अलग हो, इसलिए जब यहां पढ़ा तो क्या लिखा, भाव कैसा है, बस भाव आत्मनिष्ठ है। लीजिए एक बार पुनः आपको वापस समझा दूं कि विलियम वुंट ने चेतना के तत्व बताए दो, एक का नाम संवेदना और दूसरे का नाम भाव। भाव के आधार पर दिया यू टी एस। बस क्लियर है ये सारी बात। अब दो प्रकार की बताई विशेषता। लिखो, विलियम वुंट ने चेतना की दो विशेषताएं बताई। विलियम वुंट ने चेतना की दो विशेषताएं बताई। नंबर एक, गुण, नंबर दो, तीव्रता। गुण और तीव्रता चेतना की दो विशेषताएं, गुण और दूसरी तीव्रता। इसी के तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख देना। टिचनर ने चेतना के
तीन तत्व बताए। टिचनर ने चेतना के तीन तत्व बताए। तीन तत्व बताए। नंबर एक संवेदना, नंबर दो भाव और नंबर तीन प्रतिमा। ये तीन तत्व बताए। पहले तत्व दो थे, अब तत्व कितने हो गए? तीन। पहले गुण दो थे, अब गुण हो जाएंगे चार। विशेषता, गुण नहीं विशेषता लिखना। टिचनर ने चेतना, टिचनर ने चेतना के चार गुण बताए। विशेषता, अच्छा गुण वापस बोल रहा हूं, गुण तो इसके लिए बताया था, गुण का मतलब इसका विशेषता, इसकी चार विशेषता बताई। नंबर एक गुण, नंबर दो तीव्रता, नंबर तीन स्पष्टता और नंबर चार अवधि। अवधि चेतना में क्या गुण है? चेतना का की तीव्रता, चेतना में स्पष्टता और चेतना के कार्य की क्या अवधि, यह चार इसकी विशेषता बताई। और इधर चार की जगह कितनी विशेषता बताई? दो विशेषता बताई, गुण तीव्रता स्पष्टता और अवधि। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, संरचनावाद संप्रदाय को पैदा कौन करता है, मतलब उसके जनक कौन माना जाता है? टिचनर, है ना? टिचनर कौन से विश्वविद्यालय में? कॉर्नेल। तो इस पे काम टिचनर ने ज्यादा किया, इन्होंने थोड़ा काम, लेकिन ये नया भाव पर इन्होंने त्रिविमीय सिद्धांत अलग से दिया। एक चीज और आपको बताऊं समझ के, देखो ये किताबों में लिखी हुई बातें, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, फिर मनोविज्ञान किसका आया? मन का। फिर मनोविज्ञान किसका आया? आया चेतना। चेतना पर क्या होने लगे? प्रयोग होने लगे। फिर मनोविज्ञान किसका आया? व्यवहार का आया। देखो ध्यान से समझ लेना, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं यहां पर, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप वो सवाल का उत्तर देना, बाकी बता दूंगा। मनोविज्ञान को ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा गया, विशुद्ध विज्ञान का दर्जा किस संप्रदाय ने दिया? आपका उत्तर क्या होगा? व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय पहले शायद डीपीएस में भी था, ये था ना व्यवहारवाद। आप थोड़ा ये सवाल पढ़ के आपको लगा नहीं, प्रयोग तो शुरू चेतना में हुए थे, लगा नहीं आपको? अच्छा एक सवाल और, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया? दर्शन शास्त्र अलग कौन से संप्रदाय ने किया? चेतना। चेतना के समय हुआ, संरचना और प्रकार्य। चेतना में दो संप्रदाय आए, संरचना और दूसरा कौन सा? प्रकार्य, दो आए। यहां पर एक देखो, शुद्ध नहीं, यहां पर क्या लिखा? शुद्ध से भी अधिक, विशुद्ध रूप से। अब व्यवहारवाद, व्यवहारवाद लाने वाला कौन? वॉटसन ने कोई प्रयोगशाला खोली थी? वॉटसन की कोई प्रयोगशाला है क्या? है ना, बिल्कुल है, वॉटसन की प्रयोगशाला है। अब देखो वॉटसन की प्रयोगशाला कब आई? 1913 ईस्वी के अंदर वॉटसन ने कैसी प्रयोगशाला खोली? पशु मनोविज्ञान। कैसी? पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। पशु मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की भी, पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला इन्होंने भी स्थापित की। पीएचडी की डिग्री मिली इनको, मनोविज्ञान के अंदर पीएचडी की डिग्री लेके आए। तो यहां पर देखो, मैं आपको वॉटसन का एक और आपको उदाहरण बता देता हूं। एक इनका बेटा था जिसका नाम था अल्बर्ट, था अल्बर्ट पर प्रयोग किया था खरगोश के माध्यम से, कौन से सिद्धांत किया था? पावलो वाले,
सिद्धांत के प्रयोग हो रहे हैं। आप देखो ये खरगोश से ये फिर ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं। तो एक चीज और आपने देखो, इतनी किताबों के अंदर ये गाइडों में नहीं पढ़ने को मिलेगी, थोड़ा मैं मिश्रण कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक प्रयोगशाला लिख रहा हूं 1879 ईस्वी की। ये प्रयोगशाला कहाँ की है? ये लिपजिंग की प्रयोगशाला। और इस प्रयोगशाला को लाने वाले कौन? विलियम वोंट ले आए। इसके अलावा अब 1895 ईस्वी के अंदर एक आए जिसका नाम था विलियम जेम्स। कौन से विश्वविद्यालय के अंदर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ये विश्वविद्यालय। अब ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये प्रयोगशाला एक और हो गई, विलियम जेम्स की प्रयोगशाला है ये हार्वर्ड के अंदर। अब ये जो प्रयोगशाला है, मैं इन दोनों के तुलना करके बता देता हूं। इस प्रयोगशाला का जो केंद्र बिंदु था, सवाल पूछा गया, इस प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु था संवेदना। इस प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु था क्या? प्रत्यक्षीकरण। इसका था प्रत्यक्षीकरण। अब आपको थोड़ा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखो समझ नहीं हर बात को, सारी चीजें किताबों के अंदर लिखी हुई है लेकिन भाषा इतनी टफ है, समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। कल मैं जोधपुर था तो कुछ किताबें और लेके आया, वहां पर मुझे एक अरुण कुमार सिंह की नई किताब मिली, मैं ले आया। उसकी भाषा शैली इतनी कठिन है कि वो समझना और समझाना बड़ा मुश्किल है। तो उसको अपन सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए इस बात के लिए इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, है ना ये। अब देखो यह संवेदना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया कौन सी? त्वचा प्लस जीभ, आंख प्लस कान प्लस ये नाक। इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, इनसे प्राप्त होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? संवेदना। संवेदना के बाद हम उसका क्या करते हैं बताओ? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद हमें उसका ज्ञान होता है, संज्ञान। संज्ञान के बाद हम उसकी समस्या का ये समाधान करते हैं, ये समस्या का समाधान करते हैं। जैसे एक सामान्य घटना है, जैसे कोई भी पिन चुभी हाथ के, तो सबसे पहले तो वहां से हाथ हटे का मतलब संवेदना। फिर अपन पिन को देखेंगे, देखना मतलब प्रत्यक्षीकरण। फिर उससे संबंधित हमें ज्ञान होगा कि ये कहाँ है, गलत है या कैसी जगह है, ये क्यों चुभी है। फिर इस समस्या का हम क्या करेंगे? समाधान करेंगे। ये देखो अच्छा, मस्तिष्क से बातें ये इतनी स्पीड से जाती है जिसकी तो हमारी कल्पना भी अपन कर नहीं सकते। तो पहला जो प्रयोगशाला आई, यहाँ पर, इसमें इन्होंने केंद्र बिंदु किसको माना? दूसरी में केंद्र बिंदु किसको माना? प्रत्यक्षीकरण को माना। ये जेम्स की प्रयोगशाला में हो रहा है और ये कौन सी प्रयोगशाला में हो रहा है? ये वोंट की प्रयोगशाला में हो रहा है। ये दोनों के अंदर इतना फर्क है। प्रथम प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु संवेदना, द्वितीय प्रयोगशाला मतलब विलियम जेम्स की प्रयोगशाला का केंद्र बिंदु प्रत्यक्षीकरण था। दोनों प्रयोगशाला थोड़ा सा और समझ लेना, जब हमारा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से संबंधित था, दर्शन शास्त्र से जब अलग हो गया तो हम मनोविज्ञान को कैसा मनोविज्ञान कहते हैं? व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं। और व्यवहारिक मनोविज्ञान किसकी देन है सबसे पहले? तो हम कहते हैं किस वाद की? संरचनावाद की देन है। ये संरचनावाद की देन है। संरचनावाद किस पर बल देता है? संरचनावाद चेतन अनुभूतियों पर बल देता है। इसी के लेकर के चेतन अनुभूतियों का अर्थ है, तो इसको बोलते हैं अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत। तो अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत किसने दिया था? अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत दिया था टिचनर ने। टिचनर ने दूसरा सिद्धांत दिया, उसका नाम क्या था? द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद में क्या होता है? मन और शरीर। देखो टिचनर क्या कह रहा है कि मन और शरीर नदी के दो किनारे है,
समझना बात को। मन और शरीर नदी के दो किनारे है, एक किनारा ये दूसरा किनारा। यदि एक किनारे पर असर पड़ता है तो दूसरा किनारा प्रभावित होता है। यदि ये किनारा यूं मुड़ गया तो ये भी ऐसे मुड़ेगा, दूसरा प्रभावित हो रहा है। यही विलियम जेम्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मन और शरीर दोनों के बीच में आपस में अंतःक्रिया होती है, ये दोनों समान नहीं है, ये समान नहीं है। और यहां जाकर के जब वॉटसन आया तो वॉटसन ने कहा ये कुछ भी नहीं है, केवल हम किस पर बात करेंगे, शरीर पर बात करेंगे, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो प्रयोग किस पे करोगे। तो पहला संरचनावाद कह रहा है मन और शरीर दोनों समानांतर है, प्रकार्यवाद कह रहा है मन और शरीर में अंतःक्रिया होती है, समान नहीं है, और व्यवहारवाद कहता है कि मनोविज्ञान, व्यवहारवाद का कोटेशन देखो कि मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, इसमें मन की भूमिका नहीं है, मन रहित बताया गया। समझ में आ रही ना बात आपको, देखो आगे चलेंगे धीरे धीरे, इस चीज को नोट करना। देखो मैंने ये चीज वापस इधर ध्यान देना, मनोविज्ञान में ये चीजें वीडियो में भी आप लोग देखना, यहां जो मैंने शब्द बोला यहां पर देखो, ये संरचनावाद संवेदना, मैंने आत्मा शब्द, यहां देखो ये चीज मैंने जहां बोली इस बात को जरूर समझना। प्रयोग यहां पर विशुद्ध रूप से दर्जा यहां नहीं दिया गया, कहां दिया गया, व्यवहारवाद में दिया गया। तो यहां मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान आया, व्यवहारिक, ये व्यवहारिक मनोविज्ञान यहां बना, शुद्ध मनोविज्ञान यहां बना, लेकिन विशुद्ध मनोविज्ञान कहां पर बना, व्यवहारवाद में जाकर के बना। तो देखो इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को व्यवहारिक, मनोविज्ञान को व्यवहारिक एवं शुद्ध मनोविज्ञान का दर्जा दिया गया। लिखना, विलियम वुंट द्वारा स्थापित, विलियम वुंट द्वारा स्थापित प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का प्रमुख विषय आगे डैश करके लिखना क्या है, संवेदना। अब लिखो अगली, 1895 ईस्वी विलियम जेम्स द्वारा स्थापित मनोविज्ञान प्रयोगशाला का विषय, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का विषय प्रत्यक्षीकरण, प्रयोगशाला का विषय प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण ये बना नो कॉपी में, पहले तो ज्ञानेन्द्रिया, फिर संवेदना, फिर प्रत्यक्षीकरण, फिर संज्ञान, फिर समस्या समाधान, तीन चार लाइनें या पांच लाइनें नीचे शुरू करना, ये संवेदना प्रत्यक्षीकरण संज्ञान समस्या समाधान, पहले ज्ञानेन्द्रिया बना दो, ठीक है, त्वचा जीभ आंख कान नाक, फिर उसको इन सबका संबंध किससे, संवेदना से, संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण,
प्रत्यक्षीकरण के बाद संज्ञान, संज्ञान के बाद समस्या का समाधान, और संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने, जीन प्याजे संज्ञानवाद। ये बना दो, संवेदना के बाद में प्रत्यक्षीकरण, फिर संज्ञान, और फिर अंत में समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। लिखा, उसके बाद लिखना, लिखना ये लो, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान लिख दिया। ठीक, अब ध्यान दो इधर। इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में चेतन अनुभूतियों, चेतन अनुभूतियों पर बल, परंतु ज्ञान विश्व स्तरीय है, ज्ञान विश्व स्तरीय है, किसी भी परिस्थिति में ज्ञान, परंतु ज्ञान विश्व स्तरीय है, किसी भी परिस्थिति में कोई भी ज्ञान सिखाया जा सकता है, कोई भी ज्ञान सिखाया जा सकता है, इसका संरचनावादियों ने विरोध किया। संरचनावादियों ने विरोध किया, व्यवहार को सिखाया जा सकता है, संवेदना को सिखाई नहीं जा सकती। सिखाई जा सकती है क्या? पहला संप्रदाय अपना केंद्र बिंदु किसको मान रहा? संवेदना को। अब संवेदना सिखाई थोड़ी जा सकती, इसलिए ज्ञान विश्व स्तरीय है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान को सिखाया जा सकता है, ये सारी चीजें यहां नहीं होगी। ये सब कहां होगी? व्यवहारवाद में। इसलिए ये भी सवाल पूछा गया, ये यहां पर नहीं होगी। अब लिखो, इसी में लिखना, हेडिंग में डालना, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। यह सिद्धांत टिचनर द्वारा प्रतिपादित टिचनर द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार संवेदना प्रतिमा का अर्थ का अर्थ
उस संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है जिस रूप में वह चेतना में मौजूद हो। संवेदना और प्रतिमा में हम वही अर्थ निकाल सकते हैं कि वो हमारे किस में हो, चेतना में हो। इसलिए इसका नाम रखा गया अर्थ का संदर्भ सिद्धांत, अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। दूसरा ऐसा छोटा सिद्धांत जिसका नाम है द्वैतवाद का सिद्धांत। प्रतिपादन टिचनर। प्रतिपादन टिचनर लिखना। इस सिद्धांत में लिखना, इस सिद्धांत में मन और शरीर को, मन और शरीर को नदी के दो समान, मन और शरीर को नदी के दो समान किनारों, नदी के दो समान किनारों, एक किनारा इधर वाला एक इधर वाला, नदी के दो समान किनारों से तुलना की गई या से संबंध माना, से संबंध माना, तुलना की जगह से, क्योंकि लैंड सही हो जाएगी, से संबंध माना है, संबंध का मतलब संबंधित माना है। यदि लिखना, यदि एक किनारे में, यदि एक किनारे में कोई परिवर्तन हो तो दूसरा किनारा स्वतः परिवर्तित हो जाता है, तो दूसरा किनारा स्वतः परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मन और शरीर को समानांतर माना, मन और शरीर को समानांतर माना, समानांतर माना। तीसरा एक सिद्धांत है आणविक सिद्धांत। प्रतिपादन टिचनर। इस सिद्धांत के अनुसार चेतना चेतना संवेदना, चेतना लिखना विभिन्न अणुओं, चेतना इस सिद्धांत के अनुसार चेतना विभिन्न अणुओं 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 के कोष्ठक लिखना संवेदना प्रतिमा भाव। विभिन्न अणुओं से निर्मित, अणुओं से निर्मित। निर्मित है, ठीक है, चलिए।
दूसरा संप्रदाय, दूसरे का नाम है परकार्यवाद। परकार्यवाद या फिर इसको बोलते हैं कार्यवाद, कार्यवाद, परकार्यवाद या फिर कार्यवाद। संस्थापक जिसको हम औपचारिक संस्थापक कहते हैं, औपचारिक संस्थापक विलियम जेम्स 1895 ईस्वी, कौन सा विश्वविद्यालय बताओ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर कार्यवाद या फिर कार्यवाद। अब दूसरी लाइन ऐसे लिखना, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जॉन डीवी, वास्तविक संस्थापक जॉन डीवी शिकागो विश्वविद्यालय। वास्तविक संस्थापक जॉन डीवी शिकागो विश्वविद्यालय। लिख दिया। समर्थक, समर्थक थॉर्नडाइक वुडवर्थ कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय इस संप्रदाय ने संरचनावाद का विरोध किया। संरचनावाद का विरोध किया। यह संप्रदाय चेतना के तत्वों की बजाय तत्वों की बजाय चेतना के कार्यों ओबली करके लिखना उपयोगिता पर बल देता है। कार्यों और उपयोगिता पर बल देता है। चेतना के तत्वों की बजाय चेतना के कार्यों, चेतना के तत्व पर कौन कह रहा? संरचनावाद। और ये कह रहे हैं तत्व नहीं, इसके कार्य क्या है, व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है, समझे मेरी बात को, वो ये कहते हैं। तो इन्होंने इसकी उपयोगिता पर बल दिया। देखो यहां पर तत्व की बात हो रही है और परकार्यवाद कह रहे हैं, परकार्य का मतलब कार्य फंक्शन, और यहां पर इन्होंने कहा ये उपयोगिता पर बल दे रहे। नेक्स्ट लिखना,
यह संप्रदाय अनुकूलित व्यवहार या फिर ओब्लिक करके लिखना मानसिक क्रिया अनुकूलित व्यवहार या फिर लिखना मानसिक क्रिया पर बल देता है। मानसिक क्रिया पर बल देता है। इस संप्रदाय के अनुसार मन और शरीर में अंतःक्रिया होती है। मन और शरीर में अंतःक्रिया होती है। जॉन ड्यूवी ने कौन सा संप्रदाय दिया था? एक नाम उसका थोड़ा अलग था, जॉन ड्यूवी का। आप में से कोई बता सकता है? नहीं, कोई नहीं। ऑप्शन दो? ऑप्शन दे देता हूं, लो, क्योंकि आपकी पढ़ाई ऐसी है, संरचना प्रकार्य साहचर्य हुआ नहीं। वह पढ़ाई कभी ऑप्शन आधारित नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई सीधी करनी चाहिए। करनी नहीं करनी, हम इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हम पढ़ाई कैसे करके जाते हैं? ऑप्शन आधारित। कई लोग कैसे करते हैं? या थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एग्जाम में मुझे याद आ जाएगा। आ जाएगा याद? एग्जाम में याद नहीं आएगा? मेरा एक छोटा भाई है, मेरी सेम शक्ल का है, वो यदि यहाँ बाहर खड़ा हो जाए ना, आधी कोल बच्चे जाकर उसके चरण स्पर्श कर देते हैं। सर नमस्ते, साइको क्लास कब लोगे? वो कहता हूँ कल ले लो, कल ले लो। वो तो पुलिस में नौकरी कर रहा है। आप बताओ, एग्जाम में गए, दो ऑप्शन एक जैसे, दोनों ऑप्शन एक जैसे, अब कर लो सही। सही ये था चरण स्पर्श, इसके कर रहे हो? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इसलिए ऑप्शन आधारित कभी मत करना, पढ़ाई करो, डायरेक्ट करो। और मुझे ये कहना कि सर ऑप्शन आधारित टेस्ट कम लो, रिटर्न के टेस्ट ज्यादा लो। रिटर्न वाले पे आप लोग जीके को हर चीज को फिक्स कर दें, करेंगे नहीं? अब देखो, एक बच्चे ने तुरंत कह दिया किसका कौन सा वाद, साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है संबंध, कनेक्शन, संबंध कनेक्शन। इन्होंने कहा कि मन और शरीर समान नहीं है, लेकिन इनके आपस में क्या है? संबंध जरूर है। ये एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? शरीर पर ये नियंत्रण ये रखता है, ये शरीर पर नियंत्रण रखता है, शरीर को ये चला रहा है, इसलिए इन दोनों का संबंध है। वॉटसन ने कहा ये नहीं चला रहा, ये कुछ भी नहीं चला रहा है, मन रहित मनोविज्ञान। इसलिए वॉटसन कहता है कि आधार कौन है? व्यवहार। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये वॉटसन कह रहा है। क्या मुझे एक बात बताओ, चेतना वालों ने कहा कुछ भी सिखाया जा सकता है, विरोध किया, ज्ञान विश्व स्तरीय है, ज्ञान सिखाया जा सकता है। संरचना वाले विरोध कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? और उधर वॉटसन कह रहा है कि कुछ भी सिखाया जा सकता है, मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। संज्ञानवाद ये ऐसा नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। वो ब्रूनर, ब्रूनर आधुनिक मनोवी संज्ञानवादी कैसा है? संज्ञानवादी तो जीन प्याजे है। जीन प्याजे क्या कहता है? जीन प्याजे कुछ भी सिखाया जाता नहीं कह सकता है। जीन प्याजे कहता है कि बालक जन्मजात बुद्धिशील प्राणी है। क्या कहता है? ध्यान सुनना मेरे वाक्य को, बालक जन्मजात बुद्धिशील प्राणी है, जो कि वो विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं सीखता है, विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं सीखता है। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और अमूर्त संक्रिय अवस्था। अब मैं दूसरी बोलता हूं, पहली 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी है, दूसरी है प्राक संक्रिय। प्राक संक्रिय अवस्था के अंदर उसको आप
अमूर्त बातें सिखा दोगे? नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि जीन प्याजे कहता है कि बच्चा जन्मजात बुद्धिशील प्राणी है, वो अपनी अवस्थाओं में स्वयं सीखता है, ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है, लेकिन उस अवस्थाओं के अनुसार करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। बुर्नर बोलता है तो निर्मितवाद क्या है? निर्मितवाद क्या है? निर्मितवाद को देखो, पकड़ो यूं, ये देखो, निर्मितवाद का मतलब होता है निर्मित, निर्मित का मतलब ज्ञान का क्या करना, यस, निर्माण करना। बुर्नर तो कक्षा कक्ष की बातें करता है, जेरोम बुर्नर है ना, वो कक्षा कक्ष की बातें करता है, वो हायर एजुकेशन की बातें करता है। हायर एजुकेशन में तो बच्चा सीखेगा ही, करा नहीं करा, वो संश्लेषणवाद विश्लेषणवाद की बातें करता है। वो कहता है ज्ञान का निर्माण करता है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? लेव वाइगोत्स्की तो संज्ञानवादी है, वो भी तो कह रहा है निर्मितवाद संज्ञानवाद, वो थोड़े हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। लेकिन जीन प्याजे ने छोटे छोटे 3000 बच्चों पर अध्ययन किया है, सामान्य अध्ययन नहीं उसका, 3000 बच्चों पर उसने अध्ययन किया है। बोलो कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक होगा। और मैं तो अभी मेरे बच्चे एक पर अध्ययन कर रहा हूं है नहीं, 3000 बच्चों पर अध्ययन किया। चलो बढ़िया बात, अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या नाम है आपका? हैं मोहन, बहुत बढ़िया, कोई बात पूछा करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पूछो, अपन डिस्कस खूब करेंगे आपसे संबंधित, और विषय से संबंधित आए तो तुरंत पूछना चाहिए, तुरंत पूछना। वैसे मेरे फेवरेट मनोवैज्ञानिक का सवाल पूछा है, पर आज टाइम नहीं, नहीं तो रड़का काट दो आज, है नहीं है। जीन प्याजे संज्ञानवाद तो खूब पढ़ा और मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि उसकी बात कितनी अच्छी है। हर बालक बुद्धिशील प्राणी है। और कॉपियां बंद करने में किसने कहा? आगे नोट करो ना, हाँ हाँ नोट करो, दो बातें लिखो फिर बंद कर देना। इस संप्रदाय के अनुसार मन और शरीर में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। मन और शरीर में अंतःक्रिया होती है, दोनों समान नहीं है, अंतःक्रिया होती है। लिखना, इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में प्रेरणा, अभ्यास, अभ्यास व्यक्तिगत, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया गया, विभिन्नता पर बल दिया गया। लिखना, बाल मनोविज्ञान विषय की उपयोगिता, बुद्धि परीक्षण, आदि इसी संप्रदाय की देन है, आदि इसी संप्रदाय की देन है। यह संप्रदाय सहचर्यवाद, मन प्लस शरीर में संबंध ओब्ली करके लिखना, अंतःक्रिया साहचर्यवाद पर बल देता है। साहचर्यवाद पर, हाल साहचर्यवाद थोड़ा और भी नोट करवाऊंगा अलग से, संप्रदाय पर बल देता है, क्योंकि साहचर्यवाद शुरू से, साहचर्यवाद लेके कौन आता है शुरुआत में? जॉन लॉक इसके बारे में कहता है, फिर इसके सपोर्ट में आ जाते हैं जॉन डीवी। जैसे वैसे प्रश्नोत्तरी विधि, सबसे पहले देखो प्रश्नोत्तरी सुक्रात, सुक्रात दर्शन शास्त्री प्रश्नोत्तरी विधि, लेकिन उसका सबसे ज्यादा विकास किसने किया? वुडवर्थ ने, वुडवर्थ ने उसका विकास किया। अब दो संप्रदाय आज अपने पूरे हो गए, तीसरे संप्रदाय को कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यवहारवाद, वेरी इंपॉर्टेंट संप्रदाय कल का, फिर मनोविश्लेषणवाद वगैरह शुरू कर देंगे।